छोटू की है। ओए 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 कुत्ते, ओए ओए कुत्ते, वो डर के मारे बाहर निकल गई है भाई स्विमिंग पूल से। भाई लामा यार क्यूट, ओए लामा का बच्चे है, ओए क्यूट, ये तो लर, ओए 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 बेचारी यार, ये सिर्फ सारे मिलके डॉली को मार रहे हैं यार, ये सारे मिलके डॉली पे टीम अप कर रहे हैं यार। Are back with another vlog. Welcome back हो गया तुम सबका another vlog के अंदर। अगर अभी तक तुम लोगों ने डक्की भाई vlog enjoy नहीं किया हुआ तो कर लो like और subscribe करके bell icon को दबा दो। हम लोग जो है ना सफेद कलर की बतखें लेके आए थे, ठीक है, उन्होंने जो है ना आते ही फटा शुरू कर दिया हमारे बाकी बतखों के साथ। अच्छा वो लादा बैठे हैं। अच्छा मुझे काफी लोग कह रहे हैं कि ये जो है ना ये डक्स नहीं है, ये गीज है, तो मुझे तो लग रहा है हम लोग गलत चीज उठा के ले आए हैं। मुझे वैसे चाहिए व्हाइट कलर की डक्स थी, हम लोग गूज उठा के ले आए हैं यार। लेकिन ये भी ठीक है, प्यारी हैं, सफेद है, साफ सुथरी हैं, लेकिन इनका अपना मजा है भाई। डक और डली दोस्ती हुई है तुम लोग की इन चवलों से। ओए इसने भी अटैक किया इसके ऊपर भाई, सफेद बता ने चोंच मारी है भाई डॉली को। यार इनको हमें निकालना पड़ेगा यार, ये इस तरह तो खराब कर देंगे यार हमारे बच्चों को। डॉली तू भी थप्पड़ मार यार, दो चढ़ लगा दे, मैं तो चढ़ लगा दे कर मर्द का बच्चा है। नहीं यार ये सही बदतमीजी शुरू की है। ओए 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 कुत्ते, ओए ओए कुत्ते, वो डर के मारे बाहर निकल गई है भाई स्विमिंग पूल से। इनको निकालना पड़ेगा भाई, तुम्हारी यहाँ पे कोई जगह नहीं, फटाफट कल्टी कराना पड़ेगा हमें इसको। ओए जो नई बतख लेके आए थे व्हाइट वाली, वो तो मारी जा रहे हैं टक्कू डॉली को यार। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो डक नहीं है, वो गूज है भाई, वो गूज है भाई, वो मारेगी, वो छोटी बतख को तंग करेगी। हाँ नहीं वो तो मैंने अभी देख लिया, वो तो चोंच वोंच मारी ही बार बार, लेकिन सफेद बतख तो हमें चाहिए अपने पिंजरे के लिए। सफेद बतख ले आए फिर। तो यार अभी हम लोग जा रहे हैं फार्म पे, जहाँ पे जो है ना हमें वाकई में सफेद बतख मिलेगी जो डक्कू और डॉली के साइज की ही होगी। हम जो है ना मजर जफर एंड सन्स वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म पहुंच चुके हैं। अभी जो है ना यहाँ पे सही से नजर नहीं आ रहा होगा, बाहर से दिखाता हूँ ये चीज क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक आपकी? डक्स का हाँ विजिट करवाए। हमारे पास जो है ना गलती से गूज आ गई थी, और इन्होंने जो है ना मुझे बताया कि व्हाइट कलर की डक जो हम असल में ढूंढना चाह रहे हैं ना वो इनके पास है। अच्छा यहाँ पे डक हर तरह की आपने डक रखी हुई है, रंग बिरंगी स्वान और बाहर निकल गीज है, रूबी शेल डक है, डॉबलर है, रेड क्रेस्टेड। अच्छा ये सारी मैलेट है, ये हमारी वाली है ना, ये आपकी वाली मैलेट है। हाँ अच्छा उनके बच्चे भी हैं, बच्चे भी आए हैं। अच्छा उनके बच्चे भी उनको फॉलो कर रहे हैं अम्मा को अपनी। ये क्या है, ये स्वान है? ये न्यू स्वान। ओए होए होए, तंग तो नहीं करती होगी ना दादा? आपके सामने तैरती रहती है बस आराम से। हाँ भाई उसके बाद जो है ना मैं तुम लोगों को जो है ना एक खूबसूरत तरीन डक दिखाता हूँ। मोस्ट ब्यूटीफुल डक में जो है ना वो मैंड्रीन डक। अच्छा उड़ गए सारे वो डक, सारे उड़ गए, वो सारे डक्स उड़ गए, वो सारी उड़ गए। ओए 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 ये तो काम खराब हो गया यार। ओ भाई ओली यार, ओ तू भी हो, इसने भी उड़ना शुरू कर दिया यार, इसको तो छेड़ा भी नहीं हमने। भाई वो देखो मैंड्रीन डक जा रही है, इतनी खूबसूरत तरीन है वो, तुम लोगों को रंग बिरंगी पीछे नजर आ रही होगी, वो डक है। ओए होए 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 होए, इस वक्त तुम लोगों को जो दिख रहा है ना इससे बहुत ब्राइट होती है ये, लेकिन खूबसूरत तरीन है ये। अच्छा ये भी डक्स हैं ये जो जा रही हैं, ये बाहर निकल गूज है, गूज है ना ये भी, भाई ये भी गूज है, लेकिन थोड़ी फ्रेंडली गूज लग रही है, काले काले पैर है इनके। हाँ। आपको व्हाइट मैलेट देना है जो आपके मैलेट्स के साथ एडजस्ट हो जाए। अच्छा वो आपको दिखाते हैं। हाँ तो गूज नहीं होगी क्या? नहीं नहीं गूज नहीं, वो डक होगी। हम लोग गलती से गीज ले आए थे भाई। ओ अच्छा बाहर तैर रही हैं। गीज भी और राइट में जो बीच में है ना ये व्हाइट वाले वो डक्स के साथ ये एडजस्ट हो जाएंगी, और काफी चिट्टी वाली व्हाइट है, नीट व्हाइट। इस वक्त तो अभी तैर रही हैं, ठीक है, चिलविल मार रही हैं, दूर चले गई हैं, लेकिन वो तुम लोग देख सकती हो वो है प्रॉपर व्हाइट कलर की डक, लेकिन हम गलती से वो ले आए। वो देखो ये दोनों इस वक्त अलग हैं, वो सारे अपना चिल मार रहे हैं, इनके आपस में बनती क्यों नहीं है? ये बड़ी ब्रीड है, वो छोटी है, इनको मारते हैं इसलिए। वो साइड पे देखा ना ये कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, तो सारे स्विमिंग के लिए अंदर चले गए। उनकी तादाद भी ज्यादा है ना, तो ये पंगा नहीं ले रहे उनसे, उनका पीछा करने जा रहे हैं, आप चढ़ने लगाएंगे उनको दो तीन। पीछा मैंने कुछ। अच्छा हिरन भी रखे हुए हैं ये, हाथ से आप खुद खिलाए। अच्छा तोड़ लूं पत्ते? आप तोड़ लें पत्ते। मुझे देख के डर के भाग गई है। आजा सिटी, ओए सिटी, ओ सिटी, ओ खा ले सिटी। ओए हाय सिटी, ओए क्यूट यार लामाज। आए ये मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं लामाज,
ये वरना जो है ना मैंने मूवियों में कार्टूनों में देखे थे लामा। ओए लामा माइनक्राफ्ट के अंदर जो होता है लामा, ये तो मैंने पहली बार देखा है। ओ आंख मारी उसने मुझे। अच्छा ओ लामा भाग गई यार। नहीं बस क्या करिए भाई लामा जियार क्यूट। ओए लामा का बच्चे है। ओए क्यूट, ओए बहुत क्यूट है यार। ओए लामा के बच्चे आजा आजा आजा, अब नहीं आएगा। अपने अम्मी अब्बू के पास चला गया यार। ओ बिल्कुल उसके एक्सप्रेशन देखो, अपनी अम्मी अब्बू को शिकायत लगा रहा है कि यार ये कौन आ गया मुझे तंग करने। लामा का बच्चा कितना क्यूट है। ये लो ये लो ये लो। नहीं ओए इधर आ जाना यार, क्यूट यार। अरे 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 खिला दो मुनीब, खिला दो खिला दो खिला दो। वो डर रहा है अभी, वो देख रहा है कि यार खाऊं या ना। अरे यार क्यूट यार, उसकी अम्मा देख रही है, तंग कर रहा है मेरे बच्चे नु। उसकी अम्मा जनवन घूर रही है भाई, प्लान ना रहे इनको कैसे बाहर निकालूं। हां तो लामास मैंने जिंदगी में पहली बार लामास देखे हैं, बहुत क्यूट है भाई। भाई सब ये चेक करो, ये कौन सी ब्रीड है मोर की? ओपल है, रेयर ब्रीड है, मतलब ओपल मोर भाई। पास आगे देखें, रेयर मोर की जो है ना कोई किस्म है ओपल। ये मुर्गी है, इसको कहते हैं गोल्डन फेजेंट। अच्छा लेकिन लग मुर्गी रही है इसकी टांगे शक्ल वगैरह। फाउल फैमिली, फाउल फैमिली है ना बेसिकली। हाँ नहीं हमने पकाया आज फेजेंट। अच्छा आपके लिए स्पेशली फेजेंट पकाया? नहीं स्पेशली आपके लिए फेजेंट बनवाया है। अच्छा इसका सालन बना हुआ है आज। भाई ये जो मुर्गी जैसी चीज है ना, आज जो है ना इसका सालन नान के साथ जो है ना हम लोग पाड़ेंगे। वैसे है ये मुर्गी ही, मतलब ये ऐसा समझो कि मुर्गी ही है, बस ये वाइल्ड है, पहाड़ों से आई है। तो यार ये है फेजेंट की कराई, देसी मुर्गी जैसा जो है ना आप कह सकते हैं, लेकिन उससे भी टेस्ट होता है। अच्छा इसका ज्यादा बेहतर टेस्ट है जो उस मुर्गियां हम खाते हैं उनका टेस्ट अच्छा है? इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा वाइल्ड है, इसने बाहर से दाना खाना है, और मुकाबले में वो मुर्गी आम ब्रायलर या देसी मुर्गी भी नहीं इसको पहुंचती। थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा सा हार्ड है, यहाँ से खाता हूँ। अच्छा मजे का, बेहतरीन। अच्छा मजेदार। तो यार ये अपना जो है ना स्विमिंग शुमिंग करके वापस आ गए हैं, और ये प्रॉपर डक है, ये डक है जो मैं चाह रहा था। देखो हमारी वाली भी है, डुक्कू भी है। हाँ वो डक्कू का भाई है भाई। तो यार ये जो है ना, ये व्हाइट कलर की, ये जो है ना मैं चाह रहा था, लेकिन हम जो है ना गलती से गूस लिया है। और देखो उनके साथ जो है ना मिलके चल रही हैं, मिलके घूम रही हैं, कोई ना किसी को तंग कर रहा है, ना कोई किसी को ठुड्डे मार रहा है। वो हमारी तो है भी खाई जा रही है उसके पार। जान छुट गई इसकी, बच गई भाई। साफ सुथरी और वाकई डक है, गीज नहीं है। ये देखो नीट कितनी है भाई। हाँ नीट है, ये बहुत नीट है। हालांकि बाहर खुले पानी में रह रही, फिर भी साफ, उसने खुद का बहुत ख्याल रखा। तो ये जो है ना डब्बे में पैक हो गई, इनको जो है ना अभी हम घर जाके जो है ना केज में छोड़ते हैं। मॉल शॉल इनका पहले से सेट है, स्विमिंग पूल है, खाना शाना है, बस इनको थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, लेकिन हो जाएंगी। सीट के ऊपर रख दो और दूसरी उसके ऊपर रख दो, बस सांस ना बंद हो। A few moments later. Hey, तो है फारिग हो गए, अब चलते हैं सीधा घर। बड़ा लंबा रास्ता है, घंटे का तकरीबन। तो है व्हाइट मैलेट डक्स को जो है हम लोग यहाँ पे ले आए हैं, इनको हम लोगों को जो है ना फारिग कराना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल आज की रात जो है ना यहाँ पे रख सकते हैं। कल इनका जब बंदोबस्त हो जाएगा तो है ना इनको जो है ना हम निकाल देंगे, लेकिन अभी जो है ना इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं जी। आए आए चेक करो भाई। तो यार व्हाइट कलर की मैलेट जो है ना एक बार आ गई। ओए वो देखो गूस, उसको 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 चुबाने के चक्करों में भी है, डरा रही है उसको। होती है बच्चे, इनको भी निकालना पड़ेगा यार। अच्छा भला हमारा नया मेहमान आया, उनको जो है ना ये दो बदमाश मिलकर तंग कर रहे हैं। तो आ जाओ वो देखो, वो भी इसके पास जा रही है। अच्छा वो उसके पास जा रही है बेचारी। चलो इनकी जो है ना भाई, ओए हड्डा कर रहे हैं ये भी भाई। तो डक्कू और व्हाइट डक्स की हो सकता है कि दोस्ती होने लगी है। वो देखो पीछे से पीछे से बदमाश उनको धक्का दे रहे हैं। एंजॉय मार रहे हैं सारे के सारे। अब ठीक है, अब पूरी फैमिली एक ही टब के अंदर है भाई। ओए 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 तेरी ऐसी की तसी खोती। ओए भाई उसने बहुत बड़ी बाइट ली है उसकी, बहुत जोर का मारा है, चोंच मारी है उसको मुंह पे, गर्दन चुबाई है उसने यार। ओए कुत्ते तेरी ऐसी यार, इनको निकालो यार। क्या बकवास है यार, बस ठीक है, इजी इजी इजी। ओए ओए पैन यार, क्या मसला है तुम्हें, क्या मसला क्या है तुम्हें है? थप्पड़ ना मारूं यहाँ से, एक रख के हैं पिंजरे में, नए मेहमान आते हैं, तुम अपना स्वागत करने की जगह जो है ना अपनी पेश करना शुरू कर देती हो यार। हाँ इधर क्या देख रही हो? ओए ओए डॉली ने भी हमला किया है, डॉली ने व्हाइट डक्स के ऊपर हमला कर दिया। डॉली भाई फाइट बैक कर रही है पूरा पूरा। यार ये डक्स तो आपस में लड़ी जा रहे हैं, मुझे लगा कि यार प्यार मोहब्बत से रहेंगे यार।
ओए ओए क्या कर रहा है? उसको पीछे से अटैक करने जा रही है डॉली। पूरा उनका WWE फट्टा चल गया भाई। भाई उनका पूरा टेकन का मैच चल रहा है। भाई लड़ रहे हैं, भाई लड़ रहे हैं, लड़ी जा रहे हैं, भाई लड़ी जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से व्हाइट वालों ने जो है ना ग्रुप अप कर लिया और वो कालों को मार रहे हैं। ये देखो ये देखो ये देखो ए ए ओए ओए होती के बच्चे व्हाइट वाले आपस में ब्राउन वाले के साथ लगे हुए हैं यार। ये तो बड़े रेसिस्ट बतख हैं यार। इनकी जलती है कि डक्की भाई ने जो है इन दोनों को नाम दे दिया और हमें नाम नहीं दिया। हरकतें अपनी ठीक कर लो ताकि आपको भी मैं अपना बच्चा मानूं। ये देखो ओए बेचारी यार, ये सिर्फ सारे मिलके डॉली को मार रहे हैं यार। ये सारे मिलके डॉली पे टीम अप कर रहे हैं यार। वो देखो वो भी मार रही है उसको। ये देखो इनकी आपस में बानी नहीं रही है। ओए डॉली गुंडों में फंस गई। ओए डॉली गुंडों में फंस गई। ओए डॉली गुंडों में फंस गई। फंस गए बेचारे, उन्होंने घेर लिया उसको। डक्कू डॉली को चारों तरफ से घेर लिया भाई। सब क्या देखना पड़ रहा है। फिलहाल जो है ना मैं यहाँ पे ब्लॉग को एंड कर रहा हूं। लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डक्की भाई ब्लॉगिंग को ज्वाइन कर लेना। हमारे पिंजरे के कलेक्शन के अंदर अब तीन तरह के जो है ना बर्ड्स हैं, लेकिन तीनों की जो है ना आपस में बंद नहीं रही। तीनों फड्डे करने में लगे हुए हैं। इनका जो है ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैंने तो है ना खाने की ट्रे भी दो रख दी है। ये ना हो कि गूस जो है ना एक ही मुकाबले में बेचारे बतखों के लिए जो है ना कुछ खाने को बचा ही ना। यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूं। लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डक्की भाई ब्लॉगिंग को ज्वाइन कर देना। मिलते हैं कल ओका फिर।